ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। मित्रों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, धनतेरस के दिन आप 5 रुपए की एक चीज ऐसी है जो आप खरीद के अपने घर पर लेके आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, शुभ होता है। इससे पहले मित्रों आपको बता दें, दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, ऐसे में दिवाली को सुख समृद्धि का पर्व मनाया जाता है। शुरुआत धनतेरस से ही होती है। धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी समेत माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अर्चना होती है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही धनतेरस में सोना चांदी और धातु के सामान की खरीदारी की जाती है। लेकिन आपको क्या पता है कि धनतेरस के मौके पर सिर्फ 5 रुपए की ही चीज आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकती है। ऐसे में धनतेरस पर महंगी और कीमती चीजों की खरीदारी करने के बजाय घर ले आए ये सस्ती चीज जो भविष्य बना सकती है खुशहाल। तो मित्रों, धनतेरस में 5 रुपए एक चीज घर ला सकते हैं। यह टोटका होता है जो आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकता है। देश के कई जगहों पर इस तरह का टोटका होता है। धनतेरस के मौके पर महज 5 रुपए का साबुत धनिया खरीद लाएं। थोड़ी सी साबुत धनिया आपके लिए बहुत शुभ बन सकती है। साबुत धनियों को अपने पूजा घर या मंदिर में रखें। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उसी साबुत धनिया को माँ के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इसी धनिया को घर के किसी गमले या गार्डन में डाल दें। इसे कुछ दिनों में धनिया का पौधा उग सकता है। धनिया का पौधा उगने से पता चलेगा कि आने वाले साल में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। अगर धनिया का पौधा हरा भरा खिलेगा लेकिन पेड़ पतले होंगे तो आपकी आय सामान्य रहेगी। लेकिन अगर पौधा पीला उगेगा या पौधा आएगा ही नहीं तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।